The current economic crisis, a byproduct of the COVID-19 induced lockdowns, has brought economic activities to a standstill in India. But for Kashmiris, the lockdown had started much before the pandemic. With the abrogation of Article 370 and 35A of the Constitution, on August 5, 2019, the central government had put the state under an indefinite curfew, resulting in the collapse of its crucial tourism sector. 2019 से जब अगस्त में आर्टिकल 370 जब रिवोक किया गया यहाँ से, तो तब से हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट शटडाउन रहा यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से. यहाँ पे मतलब पहलगाम में जितने भी लोग हैं, चाहे होटेलियर्स है, चाहे ट्रैवल एजेंट्स है, चाहे शॉल वाले हैं, सब सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कोई टूरिस्ट नहीं आया. फिर जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुला, ये नवंबर दिसंबर की बात है, तो फिर थोड़ा सा काम स्टार्ट हो गया. फिर कोरोना आ गया 2020 में. मार्च तक काम ठीक चला, फिर से लॉकडाउन हो गया और पूरा काम हो गया. तो यहाँ के जो कॉमन मासेस है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम टोटली डिपेंड करते हैं टूरिज्म पे, हमारा और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. जब से कोविड हुआ है, कम से कम 2-3 साल हमको यही हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता था. अब 2-3 दिन हो गए यहाँ से, ये लोकल लोग आते हैं खाली. हमारा कोई काम नहीं चलता है, लोकल से हमको काम नहीं चलता है. सरकार ने हमको यही डाला था, 1000-1000 रुपया राशन को, 1000-1000 रुपया दिया था, लेकिन उसमें 1000 रुपये में कौन सा खर्चा निकलेगा? उसमें घोड़े का खर्चा निकलेगा, खुद का खर्चा निकलेगा कि घर का खर्चा निकलेगा? 3 साल हो गया, तीसरा साल चल रहा है अभी, कोई काम नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है अपना. हमारा ये खर्चा वर्चा थोड़ा चलता है बच्चे वच्चे के लिए, बाकी तो आपको पता है इस स्कूल का फीस कितना होता है. अगर प्राइवेट बच्चे पढ़ेंगे तो कितना फीस होता है उनका घर में खर्चा. दिन का उस टाइम शुक्र अल्लाह ताला का, दिन का उस टाइम अच्छा खर्चा मिलता था, तो अभी कोई काम ही नहीं वैसा. ड्यू टू काउंटलेस लॉकडाउन्स, द कमर्शियल ड्राइवर्स आर बैडली हिट एंड फेसिंग अ ह्यूज चैलेंज टू पे द मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लोन्स दैट दे हैव टेकन टू बाय देयर व्हीकल्स. द पीपल वर्किंग इन टूरिज्म सेक्टर फील कम्प्लीटली लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर. घर में तो परेशानी है, मतलब जब कुछ भी है ही नहीं, लाएंगे कहाँ से? गाड़ियों की बैंक है, बैंक वाले भी नहीं मानते हैं, उसको भी देना है पैसा. जब यहाँ थोड़ा खुला हुआ तो उसके बाद बैंक का हमारे लेटर आ गया कि पैसे भर दो यहाँ. जो भी मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कि कागज में रियायत मिलेगी, एक पैसे भी रियायत नहीं मिली है. जहाँ तक मेरी बात है, ये होटल की बात है, होटल भी पूरा खाली पड़ा है. आई रन माई ओन ट्रैवल कंपनी एज वेल, तो पहले बहुत बुकिंग्स होती थी, फॉरेनर्स आते थे, ट्रैकिंग पे लेके जाते थे उनको. जब बॉर्डर्स भी क्लोज हो गए तो फॉरेनर्स भी यहाँ नहीं आ सकते हैं, और वैसी सिचुएशन भी नहीं है. एक तो पॉलिटिकली डिस्टर्ब है यहाँ पे, तो उस वजह से भी हमको बहुत सफ़र करना पड़ता है. दूसरी बात, जब से कोविड आया है तो कोविड की वजह से हमको ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है. 2019 से हम लॉस में, और हम ये भी कह सकते हैं कि 2016 से, जब 2016 से हम पूरे लॉस में. कुछ भी मदद नहीं किया सरकार ने. हमने बहुत बार अपील की थी सरकार से, गवर्नर इंतजामिया से, कि हमारी ट्रांसपोर्ट को कुछ मदद करो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ.